नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रमा त्यागी, तो देखते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम 3 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत में हैं। कल दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। भारत आए अनवर बिन इब्राहिम आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री इब्राहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की यह पहली भारत यात्रा है। भारत मलेशिया के लिए पर्यटन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। मलेशिया आसियान में भारत का 3रा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। भारत और जापान आज नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठक में भाग लेंगे। 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री द्विपक्षीय बैठक करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता और 2+2 बैठक के दौरान मंत्री द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। इससे पहले जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के कारण पूरा देश गुस्से की आग में उबल रहा है। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस देर रात दिल्ली पहुंचे। वे आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। कोलकाता में आरजी कर कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन तक मार्च करने की अपनी योजना स्थगित कर दी है, क्योंकि एबीवीपी ने भी आज ही मार्च निकालने की बात की है। वहीं दिल्ली में एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज सहित सभी बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। और इसी वजह से आज लगातार 9वें दिन अस्पतालों में ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित रहेगी। कई दिनों से हड़ताल के कारण ज्यादातर जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने से मरीज बेहाल हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई के लिए आज का दिन निर्धारित किया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। वहीं सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट से आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दी। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले पर डॉक्टरों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मेडिकल अस्पतालों में सुरक्षा 25% बढ़ाने का निर्देश दिया है। केंद्र ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से मार्शल भी बढ़ाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जो अस्पतालों की सुरक्षा और डॉक्टरों की समस्याओं पर सुझाव लेगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। अलीगढ़ में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में एक प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत दलित नर्स के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी डॉक्टर समेत 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि अस्पताल को सील कर दिया गया है और जल्द ही इसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। पहले चरण में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिले के 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। 30 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची आज जारी की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इसे झूठ का पुलिंदा कहा। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कहा कि न तो उमर अब्दुल्ला, न नेशनल कॉन्फ्रेंस और न ही कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने का कोई सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ के नेतृत्व में एक घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्णलाल पवार, कैप्टन अभिमन्यु, रणबीर गंगवा, विपुल गोयल सहित 14 सदस्य होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भूवैज्ञानिकों को दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक हैं। तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं के बजट में कटौती के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आरोपों का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खंडन किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एनडीए सरकार ने तमिलनाडु में रेलवे के विकास के लिए 6,362 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि आवंटित की है। ये राशि यूपीए काल में किए गए 879 करोड़ के औसत आवंटन से 7 गुना अधिक है। उन्होंने लिखा कि रेल परियोजनाओं के लिए जरूरी 2,749 हेक्टेयर भूमि की तुलना में अब तक सिर्फ 807 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री 45 वर्षों के बाद पोलैंड का दौरा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने कहा, ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों ही देश राजनयिक संबंधों के 70 साल भी पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पोलैंड के समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति एंड्रीज डूडा से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारसा में भारतीय समुदाय, व्यापारिक नेताओं और अन्य महत्वपूर्ण लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सप्ताह पोलैंड यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में उत्साह की लहर है। पीएम की इस यात्रा का गवाह बनने के लिए पोलैंड के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतवंशी टिकट बुक कराकर वारसा पहुंच रहे हैं। वहीं पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा करेंगे। 30 साल बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा होगी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर भी बातचीत होगी।
उत्तर प्रदेश में भाजपा द्वारा शुरू किए जा रहे सदस्यता अभियान के संदर्भ में आज लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में एक दिवसीय सदस्यता अभियान कार्यशाला आयोजित की जाएगी। राजस्थान के उदयपुर में 16 अगस्त को आपसी विवाद में चाकू लगने से घायल छात्र की इलाज के दौरान कल शाम मौत हो गई। स्थिति को देखते हुए शहर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आगामी आदेश तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। पूरे इलाके में भारी सुरक्षा पुलिस बल तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक बारामूला में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 रही। उत्तराखंड में पागलनाला, गुलाबकोटी और छिनका में पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम, पश्चिम पूर्व और मध्य भागों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बुधवार तक दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और साइबर सुरक्षा, नए ऋण उत्पादों, योजनाओं के कार्यान्वयन और वित्तीय समावेशन के तहत ऋण तक पहुंच जैसे विभिन्न वित्तीय मापदंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जमा राशि जुटाने के लिए विशेष अभियान चलाने, कुशल ग्राहक सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों से जुड़ने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार एक महीने के भीतर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत नियमों का ड्राफ्ट जारी कर सकती है। 19वां CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव आज से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरिसरल एडी और लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया केपान कॉन्ग दिल्ली पहुंच चुके हैं। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन भारत में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जरूरी है चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनी वेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारत की दिग्गज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि उन्हें GST से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर M. राजेश्वर राव का मानना है कि 5 लाख रुपए के फिक्स्ड जमा बीमा कवरेज में समय समय पर बदलाव की आवश्यकता है।
गौतम अदानी की कंपनी अनिल अंबानी के स्वामित्व में रही कंपनी के साथ डील करने जा रही है। अगस्त महीने में खाद्य वस्तुओं के दाम के आंकड़ों से पता चला है कि अनाज, दाल और खाद्य तेल की कीमतों में व्यापक स्तर पर नरमी आई है। रिलायंस पावर को खरीदने के बाद अदानी पावर के पास बिजली की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। गौतम अदानी के अगुवाई वाले समूह ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में कर पूर्व लाभ में 33% की वृद्धि दर्ज की है। रक्षाबंधन पर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने रिकॉर्ड बिक्री की। क्विक कॉमर्स बाजार में करीब 40% हिस्सेदारी रखने वाली ब्लैंकेट ने हर मिनट करीब 700 राखियां बेची। FY 2022-23 में CSR की बची राशि 5 साल में सबसे अधिक रही। इस दौरान कंपनियों ने 1,475 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। रिलायंस ग्रुप ने IIHL को रिलायंस ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए NCLT में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि ब्रांड रिलायंस का इस्तेमाल करने की अनुमति अंबानी बंधुओं के अलावा किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के प्रेसिडेंट बी नरसिम्हन ने कहा कि भारत के 2030 तक $7 trillion की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। भारत से निर्यात में जुलाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स, मीट, डेयरी और ऑयल मिल जैसे सेक्टर कई सेक्टर्स में निर्यात में वृद्धि हुई है। OVL ने वियतनाम में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन के लिए 16 साल का अनुबंध विस्तार हासिल किया है। इसके साथ ही उसे दक्षिण चीन सागर के विवादित जल क्षेत्र में एक अन्य ब्लॉक की खोज के लिए 3 और साल मिल गए हैं। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में विदेश में रह रहे भारतीयों ने NRI जमा योजनाओं में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 79% अधिक धन जमा किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलरेटर ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक में स्टार्टअप्स और MSME से आवेदन आमंत्रित किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने नेपाली समकक्ष आरजू राणा देवबा के साथ व्यापक वार्ता के बाद कहा कि नेपाल भारत को करीब 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। इसराइल ने हमास के खिलाफ संघर्ष विराम के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसराइल और हमास के बीच कई महीनों से संघर्ष जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी जानकारी देते हुए हमास से भी ऐसा ही करने का आह्वान किया। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय में उनके साथ एक निजी बैठक की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में तनाव और बढ़ गया है। हाल के दिनों में यूक्रेन काफी आक्रामक हो गया है। यूक्रेन ने रूस के कुरुक और दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने कुर्स्क में हमला करके इलाकों में पुलों को निशाना बनाया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश भर में स्थानीय सामुदायिक परियोजनाओं के लिए धन के आवंटन का फैसला करने के लिए एक नई चुनावी परामर्श प्रक्रिया शुरू की।
अमेरिका के शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने घुसने की कोशिश की, जिसके बाद लगभग 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में नवंबर के महीने में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में हिस्सा लेने शिकागो पहुंच गई हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम के एक कार्यकारी आदेश जारी किए जाने के बाद लॉन्ग बीच शहर ने आधिकारिक तौर पर बेघरों के शिविरों की सफाई शुरू कर दी है, जिसमें राज्य एजेंसियों से उनके अधिकार क्षेत्र में बेघरों के शिविरों को हटाने का आह्वान किया गया है। इटली के सिसिली में समुद्र में आए भयंकर तूफान में लग्जरी सुपरयाच डूबने से एक शख्स की मौत हो गई और 6 लोग लापता हो गए, जिसमें ब्रिटिश तकनीकी दिग्गज माइक लिंच भी शामिल हैं। मंकीपॉक्स वायरस अब अफ्रीका के बाहर भी तेजी से फैलने लगा है। स्वीडन और पाकिस्तान के बाद अब फिलीपींस में भी मंकीपॉक्स का पहला केस सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय एथलीटों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उन्हें खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपका यहां तक पहुंचना बताता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। पैरा तीरंदाज शीतल ने पैरालंपिक में हिस्सा लेने पर खुशी जताई। उन्होंने पैरालंपिक खेलों में तिरंगा लहराने को अपना लक्ष्य बताया। टोक्यो पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल से एक बार फिर जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक की उम्मीद है। सुमित ने अपनी सफलता में हरियाणा सरकार द्वारा मिल रही सहायता का अहम योगदान बताया। दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने सिनसिनाटी मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। अरीना सबालेंका ने सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जनवरी में जीते गए ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से सबालेंका का पहला खिताब है। इंग्लैंड ने मैथ्यू पुट्को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम में अतिरिक्त तेज गेंदबाज के रूप में शामिल किया है। पहला टेस्ट बुधवार से ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू होगा। ट्रैक साइक्लिस्ट मैट रिचर्डसन अब ऑस्ट्रेलिया की बजाय ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करेंगे। पेरिस पैरालंपिक विलेज खिलाड़ियों के स्वागत के लिए तैयार है। पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से शुरू होंगे। चेल्सी ने एटलेटिको मैड्रिड के फॉरवर्ड युआओ फेलिक्स को साइन करने के लिए करार पर सहमति दे दी है। फेलिक्स 6 साल के करार पर चेल्सी आएंगे। ब्राइटन ने फ्रेंच फॉरवर्ड जॉर्जिनियो रटर को क्लब रिकॉर्ड फी 40 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया है। 22 साल के रटर ने ब्राइटन के साथ 5 साल का करार किया है। ल्यूका मॉड्रिच को यूएफा नेशंस लीग अभियान के शुरुआती मुकाबलों के लिए चुने गए क्रोएशिया के 24 सदस्यीय दल में शामिल किया गया है। मॉड्रिच सितंबर में 39 साल के होने जा रहे हैं। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी को चोट के चलते अगले महीने होने वाले दक्षिण अमेरिका विश्व कप क्वालिफायर्स की टीम में नहीं चुना गया है। जर्मनी के मिडफील्डर इकाई गुनुगन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। थियरी ऑनरी ने फ्रांस की अंडर 21 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस की टीम को ओलंपिक फाइनल में स्पेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। विजय वर्मा अब जल्द ही अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी वेब सीरीज IC 184 कंधार हाईजैक में नजर आएंगे।
पीजे ज्ञानवेल द्वारा निर्देशित सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म वेटन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छावा और पुष्पा 2 दोनों ही फिल्में 6 दिसंबर को रिलीज हो रही हैं। हाल ही में रश्मिका मंदाना और विक्की कौशल फिल्म छावा का टीजर इन्होंने रिलीज किया। सलीम खान और जावेद अख्तर के करियर और जिंदगी को दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन का पहला सीजन 3 एपिसोड्स के साथ आज रिलीज होगा। सिनेमाघरों के बाद तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी अब 22 अगस्त को ओटीटी पर होगी रिलीज। तमिल फिल्मों के स्टार धनुष की फिल्म रायन 23 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। अभिनेता अपार शक्ति खुराना अपनी नई फिल्म बर्लिन के साथ दर्शकों के बीच आने को तैयार हैं। न्यूयॉर्क में आयोजित इंडिया डे परेड में अभिनेता पंकज त्रिपाठी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीजन के साथ होस्ट के रूप में एक बार फिर दर्शकों के सामने हाजिर हो गए हैं। बोनी कपूर ने श्रीदेवी की पेंटिंग के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की और उन्हें अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रेरणा कहा। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।